हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सेंस फ्रेंड। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने एयरटेल थैंक्स से आप अपने वाईफाई को रीसेट कैसे कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं। तो अगर आपके पास एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन लगा हुआ है घर पे, तो उसको अगर आपने रीसेट करना है, ऑप्टिमाइज करना है, तो आपको राउटर से करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने दूसरे कमरे में भी बैठे हैं तो अपने ऐप से, आप एयरटेल थैंक्स ऐप से आप इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम जाएंगे एयरटेल थैंक्स ऐप पे। उसके बाद तो यहाँ पे हम स्क्रॉल करने के बाद, तो ये ऐप ओपन होने के बाद हम इसे स्क्रॉल करेंगे, तो यहाँ पे लिखा होगा माय वाईफाई, इस तरीके का आइकन बना होगा, न्यू लिखा है जिस पे, उसे हम क्लिक कर देंगे तो राउटर की डिटेल्स ये फेच कर रहा है। तो ये ओपन हो चुका है। तो जिस नाम से आपका वाईफाई नेम सेट है उस पर आप एक बार ही टच कर देंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, रीबूट वाईफाई कर सकते हैं, कवरेज को टेस्ट कर सकते हैं, डायग्नोज वाईफाई कर सकते हैं, राउटर की डिटेल्स ले सकते हैं, मैनेज वाईफाई आईडी पासवर्ड ये भी देख सकते हैं आप। तो इसको रीसेट करने के लिए सबसे पहले हम ऑप्टिमाइज वाईफाई पे क्लिक करेंगे या टच करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है होल्ड ऑन, ऑप्टिमाइजेशन टेक्स अबाउट अ मिनट ड्यूरिंग विच वाईफाई विल बी डिसकनेक्टेड। तो ऑप्टिमाइज जब होगा उस प्रोसेस में एक मिनट लगेगा, उसमें वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वी रिकमेंड यू टू इन्फॉर्म एक्टिव यूजर्स टू दिस वाईफाई बिफोर हैंड टू अवॉइड एन अनप्लेजेंट सरप्राइज। तो ये बता रहे हैं कि जो भी इस वाईफाई राउटर से कनेक्टेड हैं घर पे, उनको आप पहले ही बता दें कि ये कनेक्शन अभी कुछ मिनट के लिए, कुछ देर के लिए बंद हो जाएगा। तो अब इसे ऑप्टिमाइज करने के लिए मैं ऑप्टिमाइज नाउ पे हम टच कर देंगे, ऑप्टिमाइजिंग इन 2, 1, 3 सेकेंड्स। अभी ऑप्टिमाइजेशन ऑन हो चुका है। नीचे लिखा है दिस विल टेक अबाउट अ मिनट। अब लिखा रहा है नो इंटरनेट कनेक्शन। तो वापस से ऑनलाइन हो चुका है ये, ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीट हो चुका है। अब डन, वी हैव मूव्ड यू टू द वाईफाई चैनल विद द लीस्ट इंटरफेस। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ये सारे यहाँ ऑप्शन दिख रहे हैं आपको, वाईफाई बैंड 2.4 GHz और 5 GHz में, ओल्ड चैनल 11 था, अब न्यू चैनल 8 है, और 5 GHz में ओल्ड चैनल 48 है और न्यू में 153 है। तो अब हम इसे बैक होम कर देंगे। तो ये तरीका है अपने वाईफाई राउटर को ऑप्टिमाइज करने का, इससे स्पीड अच्छी हो जाती है। तो एक बार हम स्पीड टेस्ट करके भी देख लेते हैं, उसके लिए हम गूगल पे जाएंगे, स्पीड टेस्ट लिख देंगे और यहाँ पे रन स्पीड टेस्ट कर देंगे। तो ये प्लान मेरा है 40 Mbps स्पीड वाला, तो इसमें अभी स्पीड अच्छी आ रही है, 40 Mbps से ऊपर ही आ रही है, 47, 48। तो 48.4 Mbps डाउनलोड स्पीड आई है, और अपलोड स्पीड हम देख लेते हैं 38.0, तो ये भी ऑलमोस्ट 40 के बराबर ही है, तो काफ़ी सही है। तो ये था तरीका अपने ऐप से, एयरटेल थैंक्स ऐप से आप किसी भी कमरे में बैठे हों, अगर आपको वाईफाई एक तरीके का रीसेट करना हो या ऑप्टिमाइज़ करना हो, अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप तरीका बता दिया है। अपने एयरटेल थैंक्स ऐप से अगर आप ऑप्टिमाइज़ करते हैं, रीसेट करते हैं अपने राउटर को, अब भी अगर आपको लगता है, जैसे कि आप कह सकते हैं अगर आपको वहम होता है कि हाँ थैंक्स ऐप से नहीं होता है कुछ, तो आप अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर राउटर से रीसेट कर सकते हैं एक बारी। ये एयरटेल थैंक्स ऐप से रीसेट करने के बाद, ऑप्टिमाइज़ करने के बाद, आप एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर से भी एक बारी रीसेट कर सकते हैं। उसके लिए इसका बटन है यहाँ पे, और साथ में हम इसको ऑफ करके ये भी चेक कर लेंगे कि ये एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का वाईफाई राउटर ऑन कितनी देर तक होता है, कितना टाइम लगता है इसको ऑन होने में। तो अब मैं इसको यहाँ से रेड बटन प्रेस करके ऑफ कर दूंगा। तो यहाँ पे सारी लाइट्स अभी देख रहे हैं आप बंद हो चुकी है, तो इसको मैं दोबारा ऑन करूँगा, लेकिन ऑन करने से पहले मैं टाइमर लगा लेता हूँ कि कितनी देर में ये ऑन हो जाता है, सारे इसके फंक्शन काम करने लगते हैं। तो अब मैं इसको ऑन करता हूँ एक बारी यहाँ से, और यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच ऑन कर दिया है, ये कितनी देर तक वाईफाई राउटर के सारे फंक्शन ऑन होते हैं। तो यहाँ पे आपको फ़ोन में भी नज़र आ जाएगा वाईफाई सिग्नल ऑन हुआ है कि नहीं। तो कुछ फंक्शंस अभी राउटर में आप देख रहे हैं ऑन हो चुके हैं, येलो लाइट ऑन है, लेकिन अभी भी वाईफाई सिग्नल ऑन नहीं हुआ है फ़ोन में।
तो देख सकते हैं आपकी फ़ोन में वाईफाई सिग्नल का साइन आ चुका है। तो टोटल 2 मिनट लगे हैं इसको ऑन होने में राउटर को। तो इस तरीके से अपने ऐप से आप एयरटेल थैंक्स ऐप से अपने एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर वाईफाई राउटर को रीसेट कर सकते हैं या फिर ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर तब भी आपको लगता है कि ये इसे काम नहीं बनेगा तो साथ में आप राउटर का स्विच ऑन ऑफ कर सकते हैं, जो राउटर में रेड कलर का स्विच होता है ऑन ऑफ का, ये कर सकते हैं आप। साथ में मैंने आपको स्पीड टेस्ट करके भी दिखा दिया है कि स्पीड टेस्ट 40 Mbps के स्पीड में डाउनलोड स्पीड है 48 point something और अपलोड स्पीड है 38, तो ऑलमोस्ट बराबर ही है और सही है। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर दें और साथ ही साथ फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में बेल आइकॉन हिट कर दें और लेटेस्ट नोटिफिकेशन ऑफ माय वीडियोस। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उनके आंसर कर दूंगा। जल्दी मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।